एमएनएस न्यूज लाइव पर खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। रेलवे कर्मियों को दिया तोहफा और ई सिगरेट पर लगाया बैन। बीजेपी विधायक ने पूर्व पीएम नेहरू को बताया आयाज। पीएम मोदी की यात्रा के लिए भारत ने पाकिस्तान से मांगी इजाजत। पीछे से पेट भरने वाली बीजेपी सांसद ने अब बांटे 500-500 की नोट। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। रेलवे कर्मियों को दिया तोहफा और ई सिगरेट पर लगाया बैन। सरकार ने बुधवार को रेलवे कर्मचारियों के लिए बोनस का तथा इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पर पूरी तरह से बैन लगाने का ऐलान किया है। दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में निर्माता सीतारमन और जावड़ेकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी। बीजेपी विधायक ने पूर्व पीएम नेहरू को बताया याज। बीजेपी के नेता और मुजफ्फरनगर की खतौली से विधायक विक्रम सिंह सैनी ने कहा कि नेहरू तो अय्याज था, वे तो अंग्रेजों के चक्कर में आकर पहले बंटवारा करा दिया था, उनका पूरा खानदान अय्याज था। पीएम मोदी की यात्रा के लिए भारत ने पाकिस्तान से मांगी इजाजत। पाकिस्तान मीडिया के अनुसार भारत ने औपचारिक रूप से पाकिस्तान से अनुरोध किया है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूयॉर्क अमेरिका की यात्रा के लिए उनके विमान को अपने एयर स्पेस से गुजरने की अनुमति दे। पीछे से पेट भरने वाली बीजेपी सांसद ने अब बांटे 500-500 के नोट। चुनाव के हलफनामे में अपनी आय का प्रमुख सोर्स भिक्षा बनाने वाली भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वे भिखारियों को 500-500 के नोट बांटते दिख रही है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उस पर खबरें भी देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना न भूलें। अब फिलहाल वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार।